केस करते हो फिर आप जो तो अकबर साहब, असद साहब, मोहतम साहब मेरी मदद करो बोल रहे हैं आपको। 2019 में आप जो सर दारुसलाम गए थे, असद साहब को बोले थे, असद साहब बोले जाओ जी अम्मा तुम्हारे एमएलए मोहतम खान साहब उनसे बात करो। मोहतम खान साहब अब जो दारुसलाम में मौजूद नहीं थे, जाफर हुसैन मिराज साहब थे, उन्होंने फलकना पे इसमें फोन करके बोले भाई इन लोगों को भेज दो क्या है करा दो, जाओ अम्मा तो मोहतम खान से बात करो बोले। मोहतम खान साहब फोन करके क्या बोले हन्नान साहब को इन लोगों को बुलाए तस्किया कराओ। वही एमआईएम के आपको जो असद साहब अकबर साहब बोले वो लोग हैं जो 10 बार बुलाया आप लोगों को, आओ अम्मा क्या है बातचीत कर ले चले। वो तो मैं नहीं आती हूँ अब्दुल हन्नान की कॉपरेटिव वाले केस कर रहती हूँ बोले आप, ये अल्पाद आप बोले तो आज आप जो असद साहब अकबर साहब बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मेरी वाइफ का नाम फौजिया बेगम है। जो सुबह से उन्होंने जैसे सोशल मीडिया पे चर्चे में आ रहे हैं, हर तरफ जैसे मीडिया में उनके जो वीडियो सुनो वायरल कर रहे हैं, ये जो सब लगा रहे हैं ना, ये जो पूरे सारे इल्ज़ाम है पूरे बेबुनियाद है, इनके पास उनका कोई प्रूफ नहीं है। पहले उन्होंने ये बोले उनके इनकी मीडिया में उनकी वीडियो में ये बोले कि अशफाक से मेरी जान को खतरा है, जबकि अशफाक भाई का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ है इसीलिए मेरा इन्वॉल्वमेंट है, जो उनको बात करना है मेरे से बात करो, अशफाक भाई का इनके पास कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा अशफाक भाई मेरे बड़े भाई है, अशफाक भाई के जो ये एमआईएम के लीडर है जो इनके मुखालिफिन है जो इनके अगेंस्ट वाले है इनको चढ़ा रहे, अशफाक को खींच के आप मीडिया में लेके आओ उनको दलील करो वो करो उनकी इज्जत वो करो बोल के चढ़ा रहे सो है। अच्छा माँ मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर अशफाक भाई से आपको जान का खतरा है आप मेरे पास WPS सौजुन से जो आप केस बुक करे 498 में क्यों आप मेरे पूरे खानदान का नाम लिखा है अशफाक भाई का नाम नहीं लिखा है? मैं बोलता हूँ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो अशफाक भाई बस्ती के लीडर है, अशफाक भाई का आपका बेटा जब उसको रोडेशिया में फंस गया तो अशफाक भाई छुड़ा के लेके आए, जब उनको अशफाक भाई कर रहे थे आप, ठीक है ना। और आप दूसरी चीज ये बोले अम्मा मैं बेवा हूँ, आप ये गलत फहमी में अपनी औलाद को रख दिए, आगे जो है मत रखो, बेवा है बोल के उनके हमारे सास हमारे प्यारे प्यारे सासुमा बोले कि मैं बेवा हूँ अकबर साहब मेरी मदद करो बोल के बोले, तो मैं आपको ये बोलता हूँ अम्मा आपके शौहर का नाम मोहम्मद जहांगीर है जो इस वक्त हुसैन आलम में रह रहे, आज से 17 साल पहले आप उनको छोड़ के दूसरे के साथ भाग गए थे, जो आपको भगा के लिख गया उन्हें आपको छोड़ के भाग गया, तो आप जो है उससे डिवोर्स ले लेके आप जो है अपने बच्चों से अलग जिंदगी कर रहे, आप धोखे में है अपनी औलाद को धोखे में मत रखो। और मेरी बीवी जो है फौजिया वहां मेरी प्यारी बीवी आप सुनो, आपके वालिद साहब जिंदा है, उन्हें जो है हुसैनी आलम में रहते ऑटो चला रहे, आपकी अम्मा का असर दूसरे के साथ भाग गए, जिस तरह से आपका असर दूसरे के साथ है आप भागने वाले हैं ना इसी तरह। और रही एक बात, उन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाया पहले से शादीशुदा था, तो मैं इनको ये सवाल पूछता हूँ, इन्हों जो है 12 साल से मेरी बस्ती में 2012 से मेरी बस्ती में रह रहे हूँ, 2016 में मेरी शादी है, जब 4 साल मैं इनके सामने रहा इनके सामने फिरा करा तो 4 साल में इनको मालूम नहीं हुआ मैं शादीशुदा हूँ बैचलर हूँ, इन्हों सब देख के इंक्वायरी करके क्या चीज नहीं शादीशुदा था ना मैं, अच्छा ठीक है एक साल मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, अगर आप मैं इन्हों को इनकी जबान से बोले मैं धूमधाम से शादी करी, मैं बोलता हूँ मेरे शादी में मैं 70 से 80 दोस्तों को शेरवानी सिलाया, मैं पूरी बारात से शादी करा, कोई आप केस देखे दूसरी शादी को इतना धूम से करा तो क्या पहली भी खामोश बैठती, पहली भी खामोश बैठती, पहली भी आई केस करती। अब फौजिया बेगम का ये इल्जाम है कि उन्होंने बोले आप कोई बेवा बच्चे वाले से पहले शादी कर लिए, आप बोलता हूँ फौजिया बेगम की असलियत अब खोलता हूँ, फौजिया बेगम से मेरी शादी हुई 2016 में, 2016 से 2021 तक 2 बार सेक्स करे मेरे साथ, दूसरा अनु उनके बॉयफ्रेंड का सेक्स करते, ठीक है मैं देख लिया 2 महीने 2017 में दूसरी शादी कर लिया 2016 में 2 महीने के बाद में, मतलब इनके बाद दूसरी शादी इनके बाद में करा मैं, तो पहली शादी में पहली भी नहीं आती, दूसरी शादी करने से पहले नहीं थी, नहीं नहीं थी बाद में करा मैं, बोले पहले से आप शादी शुदा थे, इन्हें बोल रहे साबित करो बोले उनको इनकी शादी करा मैं, मेरी जो है मेरी जो बीवी है बेवा बेवा बीवी थी बेवा बच्चों से कर लिया मैं, इससे चलो उसको कर लेना बोल के ये कर रहे। अच्छा दूसरी चीज क्या करें मालूम है आपका शौक, अब जो है मेरे पहले ये मांग करे कि भाई आप 3 लाख रुपए दो मैं जो है छोड़ देती हूँ आपको, मैं ठीक है 3 लाख आप ले लो, उसके आगे क्या करें फिर 4 लाख दिए बोले जो पैसे मांगे आपको, बिल्कुल सबूत है उन्होंने 5 लाख में राजी हो गए, 5 लाख में राजी होने के उनका एडवोकेट आया, उनका एडवोकेट कोर्ट को आया, 1 बजे उनका एडवोकेट आया, हमारा वकील बोला अम्मा 1 बजे आए, 1 बजे कोई केस जो है कंप्रोमाइज नहीं होता आप लोग कल आओ बोले, तो हम बोले हमको पैसे दिए, तो हम देखो ये फौजिया के नाम से 5 लाख के 3 डीडियां बनाए हुए, डीडी बनाने के बाद भी ये डीडी अपना नाम डालो उसका, ये डीडी में डेट भी देख लो आप, ये 5 लाख के डीडियां बनाए उन्होंने कंप्रोमाइज को 5 लाख रुपए दिए बोले, 5 लाख रुपए हम देने के बाद में
फिर इनका वकील इनके पास जो गुंडे हैं वो ना सिखाए इनको कि जैसे इसके पास बहुत पैसा है, काम करो तुम 50 लाख बोलो, अब उन 50 लाख की डिमांड बोल रहे। अच्छा और एक चीज उन्होंने क्या बोले मालूम है, ये डीडिया जो डेट की है इस पर डेट लिखी हुई है, आप लोग खुद डालो 22 तारीख दूसरा महीना से डेट लिखी हुई डीडियो पे। इन 22 तारीख को आए थे कोर्ट को कंप्लेंस कर लेते हम ना हम पैसे देते बोल के, मैं बोला कहीं क्यों छोड़ दिया, मान को छोड़ तू रहे बोले तो मेरा बॉयफ्रेंड है उसके साथ नहीं करना ऐसा अच्छा था उन्हें है बोले नू। अभी फिर उनका बोलना है कि तो मैं रहना चाह रही हूँ, ठीक है उन्होंने रहना चाह रहे ना ठीक है मैं रख लेता हूँ उनको। इन्हों जो सो इन्हों एक नंबर चोर है, मेरे घर में से उन्होंने सोना चुरा के लेके चले गए पूरा। वाइफ हमारे वाइफ उनको बोलो सोना लेके आओ, फौजिया बेगम उनको बोलो सोना लेके आओ, और जो उनके बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है उनके जैसे आफर है वो बॉयफ्रेंड को लेके आओ। मैं उनको बोला मेरा प्रूफ है लेकिन जैसे मेरे सिस्टम में प्रूफ है, प्रूफ निकाला ना अभी सिस्टम वो भी आप लोगों को देता हूँ, वो भी आप ना अपलोड करो पूरा वाइफ है। अच्छा और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, फौजिया बेगम के खलेरे बहन है, खलेरे बहन क्या बोल रहे तुम फौजिया गयु के लिए इतने पैसा रखे मेरे को कर लेना था मैं तुम ऐसा क्यों कर रहे बोल के मेरे को मैसेज करे। आप उनकी यहाँ फोटो देखिए, नहीं दिखाना बोल रहा सब दिखा दे क्या मालूम है मालूम होता फौजिया बेगम की फोटो दिखा दो उनकी बहन की, मैं उनकी फोन बहन में वो फोटो भेजे क्या तुम फौजिया के पीछे जिंदगी खराब कर रहे आप उसको छोड़ दो मैं शादी कर लेती हूँ। देखो ये इनकी फोटो है फौजिया बेगम की बहन है ये, इन्होंने फोटो भेजे मेरे को मैं सेक्सी हूँ कहते इन्हों भेजे। अच्छा अब इन्हें क्या बोले हम लोग बहुत शरीफ है बोले इनकी शराफत का जनाना मैं निकाल दो सुनो इनका पहली बात उन्होंने क्या बोले मीडिया में हमारे कोई भाई नहीं आया कोई मरदमा नहीं है बोले इनका भाई जो है सो इनका बड़ा भाई एक आरिफ जो तेजाब आरिफ के नाम से मशहूर है पलखनुमा का रॉडी शूटर है उसकी फोटो भी आपको दिखाया था मैं। इन्हें तो बोले ना दावा ना कि हमारा कोई भाई नहीं है एक मिनट दिखा था मैं ये देखिए ये तेजाब आरिफ पलखनुमा का रॉडी शूटर है इनके कोई भाई नहीं है बोल रहा हूँ ठीक है ये हो गया ना। और एक चीज दिखा दो मैं कल मेरे ऊपर क्या करे ना फलक वहां पर आगे मेरे घर पे अटैक करे बल्ला गोले बेलना उसकी फोटो भी जाएंगे दामोला क्या बोल रहे मालूम है तो हमको पहचानता नहीं तो तुम्हें देखा नहीं हमला क्या करते थे वो देख बो ये बोल रहे दामोला ये हमारे फोटो दिखा दो एक मिनट ये दामोदा इनका इनके दो दामोदा है एक का नाम अफरोज है एक का नाम मोइन है मेरे को जो अटैक करे और एक का नाम आरिफ साला आया मेरा और एक जाबिर आया मेरा साला आया और एक मामूस था सलीम और शरीफ ये छह जने आके मेरे को बल्ला हुआ पेस पे अटैक करे। अटैक करने के बाद मैं जाके कंप्लेन करा मैं कंप्लेन करा किधर चन्नागुटा पीएस में चन्नागुटा पीएस में जाके मैनेज कर लिए क्या कर लिया उन लोगों को मालूम नहीं है इतना खाली ऐसा ही बोल रहा मैं ऐसा करता हूँ बुलाता हूँ बुरा नहीं बुला रहा। अच्छा ठीक है और एक चीज मेरे भाई को क्या बोले मालूम है फलकनुआ पीएस के जेब में बोल के बोले तो आप लोग मीडिया में देखे होंगे फलकनुआ पीएस अगर मेरे भाई के जेब में है तो आप जाके मेरे पर कंप्लेन करें एसआई को बुला के एक्शन लिया केस बुक करता हूँ बोला अगर मेरे भाई के जेब में है तो ऐसे कैसा बुला फिर आई कंप्लेन कैसा फलकनुआ पीएस में। ठीक है और एक चीज आपको देता हूँ मैं इसकी डेट देखिए आप फलकनुआ पीएस में दो दिन पहले वो करे कंप्लेन करे ये डेट देखिए आप पक्की है कौन सा महीना है पहला महीना 19 तारीख के दिन 19 जनवरी को मेरे पर ना अटैक करे थे मैं फलकनुआ पीएस में कंप्लेन करा फिर भी ना एक्शन लेते थे नहीं लिए और मैं बोलता हूँ ना हम गरीब है बोल रहे ना इनकी खाला बाहर रहती दुनिया का पैसा इनको बाहर से भेजती हम ना गरीब है बोल के बोल रहे ना। और चलावा सुनो इनका बेटा जो है सो कॉलगल के पास गया था किशनबाग में कोई अड्डा है वहां पर जाके जो है सो उन्हें पैसे दे काम करने गया वो पुट्टिया भैया पकड़ लिया इनको पकड़ के उनका भाई आके शादी कराया। ठीक है कहेंगे बेटे की शादी कराना कौन सी शादी कराने में पूछो तो उन्होंने क्या रहे इज्जत क्या है मर के जो है बेटे का वालिमा कर दिए ये इनकी शराफत है। और दूसरी चीज इनकी एक बेटी है ऐशा उन्हें क्या करी लॉकडाउन में बच्चे के साथ भाग गई तो उसकी शादी कराने शादी खान को शादी में पूछो उसको उन्हें ऐशा भाग गई उसको लगे शादी कर शरीफ और शरीफ लोग आए। और मेरी बी में वो क्या बोल रही तू मेरी जिंदगी से देखो मैं निकलने देती हूँ तेरे ऊपर इतने कैसा करती हूँ तेरे बर्बाद कर देती हूँ अगर तेरे बर्बाद नहीं करना है तो तू मेरे को महीने को 20,000 रुपये देना मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फिरती हूँ बोल रही ऐसा होता मेरी जरूर बोली फौजिया बेगम कौन सा उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है उसके पास लेकिन बॉयफ्रेंड की रिकॉर्डिंग है मेरे पास और फोटो भी है दिखाता हूँ आपको लोगों को। ठीक है 20,000 की डिमांड करे बॉयफ्रेंड के साथ फिरते बोले उसकी कोई आपके पास नहीं लड़े झगड़े बोले आमने सामने लड़े झगड़ा हो तो उनको बोले। अच्छा ठीक है मैं इनको क्या बोला इन्होंने मेरे ऊपर 2019 में 498 केस बुक करे केस बुक करने के बाद मैं सरकार बुला के बोला अम्मा रह जाऊंगा बोला ठीक है अम्मा रह जाएंगे बोला
तो इनू क्या बोलते हैं, मैं जो घर में रही हूँ ना, तो मैं इनको वो घर में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि इनू जो एरिया में रख रहे होंगे बॉयफ्रेंड जो एरिया में रहता हूँ वहाँ रहे, मैं दो में रहता हूँ, यानी मैं पैसे देता हूँ बॉयफ्रेंड अयाची करते रहना, ये बोल रहे। अच्छा इनकी एक बहन है, अब सुनो, और उनके दामाद साहब आप भी सुन लो, जो अर्चिया का दामाद है सुन लो, अर्चिया तेरा चक्कर किसके साथ था, तू क्या वारा पारा करी, वो भी निकालता हूँ मैं, अगर एक वीडियो में नहीं लेना तो वो भी निकालता हूँ, बेफिक्र हो, मेरे को रखो बोलो आप। और दूसरी चीज जो है सो, आप ना कंप्लेन करे, केस करते हो, फिर आप जो है अकबर साहब, असद साहब, मोहम्मद साहब मेरी मदद करो बोल रहे, आपको 2019 में आप जो है दारुसलाम गए थे, असद साहब को बोले थे, असद साहब बोले जाओ जी अम्मा तुम्हारे एमएलए मोहम्मद खान साहब उनसे बात करो, मोहम्मद खान साहब अब दारुसलाम में मौजूद नहीं थे, जाफर हुसैन मिराज साहब थे, उन्होंने फलकना पेज को फोन करके बोले भाई इन लोगों को भेज दो, क्या है करा दो, जाओ अम्मा तुम मोहम्मद खान से बात करो बोले, मोहम्मद खान साहब फोन करके क्या बोले हन्नान साहब इन लोगों को बुलाया तो क्या कराओ, वही एमआईएम के आपको जो असद साहब अकबर साहब बोले वो लोग हैं, जो 10 बार बुलाया आप लोगों को, आओ अम्मा क्या है बातचीत कर ले चले आओ, तो मैं नहीं आती हूँ, अब्दुल हन्नान की कॉपरेटिव बोले केस कर रहती हूँ बोले आप, ये अल्पाद आप बोले, तो आज आप जो है असद साहब अकबर साहब बोल रहे, तो इसकी वजह क्या है, और आप क्या करने वालों हैं, मेरे अगर मेरे बेटे को कोई मार दिए, मेरे बेटे को कोई मारे तो जो है उसके जिम्मेदार हम लोग आए, मैं बोलता हूँ इनका बेटा रॉडी शीडर है, 1-15 दिन के नीचे ब्लेड से कुत्ते चरपटा मारा उन्होंने, हम क्यों जिम्मेदार है, रॉडी शीडर और रोड के मर गया तो पुलिस भी उसकी जिम्मेदार नहीं है, तेरे दुश्मन आए तेरे को मार रहे, हम क्यों जिम्मेदार है, इनका बेटा जो है पीना खाना मारना ये इनके बेटे का काम है, तो उसके जिम्मेदार हम क्यों होंगे, आप जा रहे हैं आप जाए आप बड़े फलकना में कंप्लेन ले रहे, आप केस बुक करें मैं उठाने लगा दिया रात में, आपका बच्चा पी लेगा जैसे बच्चों को चल रहा है, अब आप आखिर में क्या चाह रहे हैं, आपकी बीवी फौजिया बेगम तो रहना चाह रहे हैं आपके भाई, आप रहना चाह रहे आप रहना चाह रहे हैं आपकी बीवी, बिल्कुल रहना चाह रहा हूँ आप रहना चाह बिल्कुल रहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन जो तो बॉयफ्रेंड को लेके आना, मैं सोना लेके आना, मेरे पास कैसा विड्रॉ करना, बिल्कुल रहता हूँ मैं, आप रहना चाह रहे हैं, हाँ रहता हूँ मैं, कैसा विड्रॉ करना मेरे ऊपर से, आपके भाइया बहना जो है उनके ऊपर जुल्म, एक मिनट आपको बोलता हूँ मैं, इन्हों 2016 में शादी करे, 19 में जो है सो मेरे ऊपर हरासमेंट केस बुक करे, जबकि मेरे हिसाब से मैं 2 साल दुबई में था, मैं कब इनको हरासमेंट करा, कब मैं आपके भाया, ठीक है मेरे पूरे भाइयों का घर अलग है, मेरा भाई घर अलग है, मेरे अकेले घर में थे, उन्होंने कौन हरासमेंट करे, मेरा एक भाई बल्लागढ़ में रहता, मेरा एक भाई डिगरमुंडे में रहता, मेरा एक भाई मेरे उसके खुद दादी करे, मेरे से अच्छा करे, उन्हें आते नहीं, कौन हरासमेंट करे, आप केस बुक कर रहे, फॉल्स केस बुक कर रहे आप पूरे, अच्छा आप डीवीसी बुक करे मेरे ऊपर, आप हमला करी रहे हो रहे, आप बोलते हो सुनो आप जो है तो हर महीना मेरे से 30,000 रुपये खर्चे को लिए लेके महंगा वकील रखे, इनका वकील बुला के मेरे को बोल रहा कंपरमाइज कर ले रहे तो 50 लाख का नुकसान करना पड़ेगा, और इनके दामाद इनके भाया और इनके मामू ससुर आके मेरे को अटैक करे, 50 लाख रुपये नहीं जाओ तो जान से मारे थे वो बोरे, इसकी कंप्लेन में चंदा गुट्टा में करो, मेरे को पता नहीं है आप ना पूछे वकील का नाम, क्योंकि उनके शकील अहमद है, उनके वकील का नाम, हाँ वकील का नाम है, इन्हों क्या कर रहे हैं शकील अहमद से बात कर लिए 50-50 बोल के, 25 तेरे 25 मेरे बात कर लिए, दोनों इनके हरासमेंट कर रहे हैं, यही है अब क्या करना, हमको समझ में नहीं आ रहा, अब बोरे रखो बोरे तो ठीक है मैं रखता हूँ आपको, रहने की खास है ना, तो मेरा क्या है आप दौड़ भी गए हो, मैं क्या करूँ, अच्छा इन्हें क्या बोल रहे मालूम है, मेरे नाना को टेंशन से हार्ट आ गया, तो मैंने सोचता कि कोई आदमी को टेंशन से हार्ट आता, आदमी को टेंशन से बीवी बोले कि नस्फल के मरता आदमी, टेंशन से हार्ट आता कोई सुने, कोई डॉक्टर बोला टेंशन से हार्ट आता बोल के, इन्हों ये बोल रहे, अच्छा इनके खाला जो है इन्हों क्या बोले आज के कंप्लेन का फलकना पैसे खड़े करेंगे वीडियो में, मेरी बे अम्मा को चाकू पुरा दिए, क्या भाई आप ना कोई देखे कोई चाकू का केस बुकाया, चाकू पुरा दो रहते इन्हों झूठे इल्जाम लगा के फंसाने की कोशिश कर रहे पैसे होना बोल के, मैं क्या चाह रही है बोल भाई मेरी वाइफ अगर मेरे साथ रहना चाह रही तो मेरा सोना है 25 तोले मेरा सोना है, मेरा सोना लेके आना वापस, और जो है जो बॉयफ्रेंड है उसको बताना, बॉयफ्रेंड का को बताने की वजह ये है मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं जो है सो मैं कहीं भी घर दिला के मेरी वाइफ को रखता हूँ, मैं जो दोस्त है उन लोगों को बोलता हूँ देखो बेटा फलाना इनका बॉयफ्रेंड है इन्हें आता मेरे को फोन करना, मेरे को मेरी वाइफ की सिक्योरिटी देना है, मेरे को मैं प्रोटोकॉल दूंगा, मैं प्रोटेक्शन करूंगा मेरी वाइफ का, तो उन्हें बताना ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं उनसे उनको दूर रखता हूँ, उनके एरिया में नहीं रखता हूँ, मेरे को मालूम है जरूरी, और किसी चीज के साथ जो आप फॉल्स केस बुक करें और विड्रॉ कर लो आ जाएंगे, इतनी बात है।